इसका एक एक पीस कितना सुंदर बना है, और ये एकदम मावा बर्फी की तरह दिख रही है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और सेवन स्टार किचन पर आप लोगों का स्वागत है। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, और 1 कप चीनी में हमें डालना है 1 कप पानी। फ्लेम को अब हम ऑन कर लेंगे और इसे शहद जैसी कंसिस्टेंसी में आने तक इसे हमें पकाना है। स्टार्टिंग में हम फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद मीडियम कर देंगे। चीनी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो चीनी है वो तले से चिपके नहीं। ये देखिए, चाशनी को लगभग मैंने चीनी घुलने के बाद 1-2 मिनट पका लिया है, और अब जो चाशनी है काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ये शहद की तरह चिपचिपी हो गई है। बस कुछ इस तरीके की चाशनी हमें चाहिए थी। अब लास्ट में इसमें फ्लेवर के लिए हम डाल रहे हैं 4 से 5 कुटी हुई इलायची। इलायची को हम इसमें मिक्स कर देंगे और फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। चाशनी को अभी साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो अब हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। ये मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, तो 1 कप मैं अभी डाल रही हूँ, और ये 1/2 कप हमने और लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब आटे को हमें अच्छे से देसी घी में भून लेना है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। इसे हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। अब जो ये आटा है, इसे भूनते हुए मुझे लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं, और अभी अपना कलर बदलने लगा है। तो फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे, और 1/2 कप इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसकी जगह पर मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, ये भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने अभी बंद कर दिया है। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर और कोकोनट का बुरादा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा जो ये आटा रेडी हुआ है, इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डालेंगे। तो ये जो चाशनी है हमारी, अभी हल्की गर्म है, यानी बहुत ज़्यादा ना गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। हमें ये ध्यान रखना है कि ठंडी चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसे हल्का सा गर्म कर लें। और अब चाशनी को हम इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चाशनी डालेंगे और मिक्स करेंगे। चाशनी और आटा दोनों ही गर्म होना चाहिए, तभी जो हमारा डो है वो बन पाएगा। नहीं तो ये क्या होगा कि पहले से जो बर्फ़ी है वो सेट हो जाएगी, और इसका जो हम डो बनाना चाह रहे हैं वो डो नहीं बन पाएगा। ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। लगभग 1 चम्मच इस स्टेज में हम इसमें घी डालेंगे, ताकि जो ये मिक्सचर है थोड़ा सा स्मूथ लगे। हमें कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी कि ये डो जैसा दिखने लगे। तो चलिए फिर इसे अब हम सेट करने के लिए रखते हैं। तो बर्फी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है, इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और ऊपर से मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगा लिया है, और बटर पेपर के ऊपर भी वापस से मैं घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली बर्फी को इसमें सेट कर सकते हैं बिना बटर पेपर के। इस मिक्स को अब हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए, बर्फी के मिक्स को मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब हम इसे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। अब ये बर्फ़ी हम लगभग 2 घंटे के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो बर्फ़ी है अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इसे रखे हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। तो चलिए अब हम बर्फ़ी को कट कर लेते हैं। इसके लिए हम पहले इस पर निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। ये देखिए, हमारी बर्फ़ी कितने अच्छे से सेट हो गई है, खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये देखिए, इसका एक एक पीस कितना सुंदर बना है, और ये एकदम मावा बर्फी की तरह दिख रही है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा।